हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर पर निबंध कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करें। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोर सांको में हुआ था। इनके माता पिता का नाम शारदा देवी और देवेंद्रनाथ टैगोर था। टैगोर ने अपनी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा घर में ही ली। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कर दी थी। आज टैगोर और उनके कार्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्हें 1913 में गीतांजलि नामक महान लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। Thank you.
वो एक दर्शन शास्त्री, एक चित्रकार और एक महान कवि थे। उन्हें देशभक्ति के लिए भी जाना जाता था। उन्हें हमारी देश की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। उनकी मृत्यु 1941 में हुई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।